नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। है हमारे वकील साहब हैं और इसके साथ साथ हमारे इतने कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग के साथ जुड़ के निरसा विधानसभा में काम कर रहे हैं। और निरसा विधानसभा में हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्द अपना एक अच्छा सा प्रत्याशी उतारेंगे और उतारने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोट ला सके और जीत के कगार पर पहुंच सके। और इंशाल्लाह हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग अगर मेहनत करेंगे और सही बात अपने लोगों तक पहुंचाएंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, किसी भी समाज से हो, उसको अगर हक की बात और सही बात हम उन तक पहुंचाएंगे तो मेरा मानना है कि वो लोग हमारा साथ देंगे और हम लोग को वोट करेंगे। और इंशाल्लाह जब हम लोग चुन के आएंगे निरसा विधानसभा से तो आप देख सकते हैं निरसा विधानसभा में ये एक बहुत ज्यादा आबादी, घनी आबादी क्षेत्र वाला ये एरिया है निरसा, चिबली बाली से लेकर चिकुंडा तक, मगर ये सिंगल रोडवे है और इसमें बहुत सारी दुर्घटना होते रहती है। वो MPL के कारण जो उनके हाईवा वगैरह चलते हैं उनके कारण बहुत सारे, आप लोगों ने भी न्यूज में छपा है, तो सिंगल रोड है, कचरा का अंबार यही सामने आपके हमारे ऑफिस के सामने कचरे का अंबार है, लगा पड़ा है। यहाँ तक कोई एक शिक्षा संस्थान बड़ा हब नहीं है और इंडस्ट्रियल एक है भी तो उसमें बाहरी लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा और शिक्षा संस्थान की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे कोई अच्छा तरह सा कॉलेज नहीं है जहाँ पे बच्चे पढ़ सके। एक MLA का काम होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने यहाँ पे विकास कर सके, मगर वैसा विकास हमको नजर नहीं आ रहा। खास करके ये स्ट्रीट लाइट वगैरह भी कुछ नहीं है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट नहीं है और पानी की समस्या है या लाइन की, करंट की समस्या है, ये सारा छोटा चीज है, मगर मेजर जो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और जितने भी फैक्ट्रीज यहाँ पे लगी पड़ी है कोई भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में ध्यान नहीं दे रहा, बस वो अपना अपना ये शाख बचाए हुए है और अपना काम कर रही है और कौम को क्या होता है और यहाँ के लोगों को क्या है, मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन भर में अगर आप 10 बार बाइक व्हाइट कपड़ा पहन के चला लो तो शाम में आइए वापस तो देखने को मिले वो काला हो गया, तो कितना पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन कंट्रोल कुछ नहीं है ना, ठीक से यहाँ पे पेड़ लगाए जा रहे हैं ना, यहाँ पे वाटर पानी का छिड़काव हो रहा है, कुछ नहीं है। तो ये सारा चीज हमारे यहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि 8 और 1 रुपया किलो चावल से कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम एक अच्छा रोजगार मिल जाता है और हम पढ़ के अच्छा बन जाते हैं तो मेरी औकात हो जाएगी कि हम 30 रुपया वाला किलो चावल खरीद सके, तो कम और कम जगह पे और कम समय में हमको आगे बढ़ना नहीं है। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग चुन के आएंगे, ये हमारा मानना है। प्रत्याशियों का नाम की घोषणा कब तक संभव? प्रत्याशियों की नाम की संभावना अभी मेरे ख्याल से थोड़ा आप लोगों को सबर करना होगा क्योंकि कि जितना लेट में हम लोग बताएंगे मजा ज्यादा होगा, इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी आप लोग थोड़ा सा इत्मीनान रहिए, क्योंकि अभी सारे लोगों ने भी अपना कैंडिडेट का नाम नहीं दिया तो हम अभी कैसे देते। प्रतिद्वंदी किसको बोलते हैं? प्रतिद्वंदी ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे हम लोग जो अभी किसी को लेके चले, मगर वो हमारे जो सदर हैं वो तय करेंगे किसको बनाना है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। आपकी लड़ाई किससे रहेगी? हमारी लड़ाई किसी से नहीं रहेगी और हमसे लड़ने वाला भी कोई है नहीं, सब आपस में वो लोग लड़ेंगे और हम लोग कामयाब हो जाएंगे।